वेलकम टू मनीष गुरु। आज 27 नवंबर, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विसेज आवास पोर्टल यानी कि CLAP किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2019 को लोकसभा में कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 किसने पेश किया? तो टैक्स में संशोधन का विधेयक जो है ये पारित किया निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2019 को संविधान दिवस मनाया गया, संविधान वर्ष कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर को पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब जो संविधान वर्ष जो है ये लागू हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें फ्लोटिंग इशूल परियोजना ने आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है? तो आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जो है ये जीता बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने और वर्षा वर्मा ने नई दिल्ली में 25 नवंबर 2019 को 63वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर डबल ट्रैप खिताब अपने नाम किया है? तो ये खिताब अपने नाम किया संग्राम दहिया और वर्षा वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए किसके द्वारा नेशनल फायर एंड रेस्क्यू विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई का दौरा किया है? तो ये दौरा किया है इजराइल नेशनल फायर एंड रेस्क्यू विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाज किसने और दीपिका कुमारी ने 25 नवंबर 2019 को एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व मिश्रित जोड़ी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है अतानु दास और दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविडिया ने माइक्रोसॉफ्ट एजियर पर क्लाउड में एक नए प्रकार के CPU त्वरित सुपर कंप्यूटर की घोषणा की। निविडिया B100 टेंसर कोर GPU तक का उपयोग करेगा, तो ये उपयोग करेगा 800 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में 13 दिसंबर 2019 को 3 दिन लंबी सैन्य साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये उद्घाटन किया जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुलिस ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 9369887221 शुरू की है? तो ये शुरू की है प्रयागराज पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2019 को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाएगी 11वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया सुभाष चंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो ये 5% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवी पर ऑप्शनल स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को सेवी द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है 40.5 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड्स सूचकांक जारी किया गया था, कौन सा भारतीय शहर सूचकांक में 83वें नंबर पर था? तो इसमें जो है बंगलौर जो है 83 प्लेस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2019 को किस राज्य में इटावा लायन सफारी को जनता के लिए खोल दिया गया था? तो ये खोल दिया गया था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में महिला यात्रियों के लिए किस IT कंपनी ने सी शटल लॉन्च किया है? तो सी शटल लॉन्च किया इन्फोसिस ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड।